हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमावत लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग। सो बेसिकली अभी टाइम हो रहा है, टाइम बता दो, 12:22। मतलब सुबह सुबह मतलब घर पे गया 6 बजे। 6 बजे के बाद वो दोनों शैतान लोग मतलब मस्ती करना चालू किए, तो मेरे को 7 बजे तक सोने भी नहीं दिए। मतलब मैं दुकान पे आ गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ही सो गया। मतलब देखा तो 9 बजे का अलार्म लगाया था, बट आज संजय आया भी नहीं। तो यहाँ पर संतोष बैठा है, कहा देखे देख रहा अच्छा इधर से बोल रहा उधर दिख रहा है। तो वही आज संजय आया नहीं, कल रात को लगता है ज्यादा हो गई उसको इसके लिए। तो वो संजय तो आया नहीं अभी, मतलब एक ऑर्डर आया था तो मैं उसके कस्टमर के साथ वापस गया था सोनापुर में, और सोनापुर से बाद में अभी रिटर्न आ गया यहाँ पे बैठ। आज जो वीडियो मेरे को अपलोड करना है वो वीडियो मतलब मेरे पास है ही नहीं, मतलब एडिट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर पे जाऊँगा खाना खाने के बाद आके यहाँ पे 1-1.5 घंटे में वीडियो एडिट करके अपलोड पे रख दूंगा, तो आज का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। और बाकी तो कुछ नहीं, बस बैठे हैं। और वो जब आदमी लोग नहीं आते ना तब काम आता है, जब आदमी लोग बैठे रहते तब काम नहीं आता है कि नहीं। अभी मतलब खाना पीना भी हो चुका है, और कल जो वी का मतलब वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड लेके आया था मैं, तो मेरे भाई को नहीं जमा। मेरा भाई बोलता है कि मेरे पास एयरटेल का डोंगल है और मेरे को सिम चाहिए प्रीपेड, यहाँ से चलो यहाँ से। तो ये भाई आए मतलब मुलुंड से, हाँ मुलुंड से आए कि घर पे तक आए, मतलब चारों सिम एक्टिवेट करके दे दिए। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? प्रशांत भाई है। मैं भी मतलब पहले भी इनसे ही कराया था, तो ये मतलब आज घर पे आके करा दिए, अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस अभी जाके एक वीडियो एडिट करके अभी अपलोड करने का। आज मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया इसके लिए, तो मतलब अभी फटाफट जाके एक वीडियो एडिट करने के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटा लगेगा। मतलब रेंडर होने के लिए 1 घंटा, अपलोड होने के लिए 15 मिनट बस। चलो भाई अभी एडिट चालू करते हैं। और मैंने सुबह से मतलब आपको मैं ऐसे ही दिखता रहूंगा, क्योंकि मैं अभी बोल देता हूँ कि मैंने सुबह से नहाया नहीं है, क्योंकि कारण है सुबह से मतलब संजय आया नहीं था, तो अभी मेरे को ही भागम दौड़ी करनी पड़ रही है। भले ही पाँव में लगा है या कुछ भी लगा है, तो सोनापुर जाना पड़ रहा है। मतलब अभी मैं एडिट करने बैठ रहा हूँ, क्योंकि आज का वीडियो मेरे पास था नहीं अपलोड करने के लिए, तो मैं एडिट करने बैठ रहा हूँ। तो मैंने संतोष को बोला कि तू सोनापुर चले जा और माल लेके आ जा। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको दोनों शैतान लोग बताऊंगा, बट क्या अभी दोपहर में गया था तो दोनों जन को मतलब नींद आ रही थी, क्योंकि वहां पर अभी मतलब रात है ना, तो जेट लैग होता रहेगा, तो इसके लिए मैंने शूट नहीं किया घर पे जाके। अभी रात को मतलब क्या एक्टिव रहेंगे वो लोग, उधर दिन रहेगा ना, तो मतलब रात को इन लोग का देखने मजा आ रहा था दोनों जन का फाइटिंग। मगर अभी क्या आज रात को फिर से फाइटिंग करेंगे तो वो अपन देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगा। एडिट करते करते एक ऑर्डर आ गया छोटा सा, तो वही माल की डिलीवरी करने गया था। अभी मैं जा रहा हूँ फिर से बैठता हूँ एडिट करने के लिए। ए भाई का छोड़ा, रुक जाओ। 50% एडिट हो चुका है और 50% बचा है, तो मेरे को क्या सोनापुर से एक मटेरियल लेके आने का, तो वो सबसे पहले वो मटेरियल लेके यहाँ पर खाली करके बाद में फिर से एडिट करने यहाँ पर चालू करेंगे। आज का वीडियो 8-9 बजे तक तो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। टेम्पो वाला तो भाई चाय पीने गया है, तो मैं बोला उसको फोन किया, मैं बोला भाई किधर हो, बोलता हाँ मैं लेके आऊँ टेम्पो। मतलब कैसा लेके आओ, बोलता चला के, मतलब टेम्पो के अंदर ही बैठा हो भाई आप किधर हो, बोलता अरे बाजू में चाय पी रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे आ जाओ यार फटाफट, मेरे को बाद में दूसरा काम भी करना है। अभी क्या हुआ, ये मैंने बेल्ट लगा के रखा था, तो इसके पहले मैं जो डिलीवरी करने गया था माल का, तो पुलिस वाला हम लोग रुका के फोटो वोटो खींच रहा है, तो बोलता बेल्ट किधर है, तो उसको ये बेल्ट दिख रहा भी नहीं था, तो बाद में हम लोग बोला बेल्ट लगाया हुआ है खाली पॉकेट, फाइन मत मारो। पुलिस वाले लोग खाली पॉकेट ही लाए यहाँ पर, अपना मटेरियल भी भर चुका है, और अभी हम जाएंगे दुकान पर ये मटेरियल लेकर, और बाद में इसका क्या पॉलिशिंग भी करना है, तो अभी देखते हैं कल संजय आएगा तो ठीक, नहीं तो ये भी मेरे को करना पड़ेगा पूरा पॉलिश, धार पॉलिश सब। कल तो मेरे को लग रहा है कि वो आ जाएगा, लेट सी आता है कि नहीं आता अभी उसके ऊपर है। ये वीडियो भी एडिट हो चुका है आखिरकार, अभी टाइम हो रहा है 8:17। अभी ये कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट कर लिया 2:38। मतलब अभी 2 घंटा, अभी यार 38 मिनट बता, अभी 52 मिनट बता रहा है यार, मतलब 3 घंटा भी पकड़ेंगे तो अपन 3, 8, 17 हो रहा ना, 9:17, 10:17, 11:17। मतलब आज का वीडियो मेरे को लग रहा है कि 11:30-11 बजे तक तो होना ही चाहिए भाई अपलोड, नहीं तो बाद में अपना 365 ब्लॉग्स कैंसिल हो जाएगा। होगा तो नहीं, वो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 2 वीडियो कल डाल, क्योंकि अपना 365 डेज में 365 वीडियोस आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अभी 3 घंटा बता रहा, तो मतलब 11 बजे तक अपलोड रेंडर हो जाएगा, और 11 बजे के बाद मैं अपलोड पे रखूंगा, मतलब अपलोड करने के लिए तो 15-20 मिनट ही जाएगा। और आज मैंने वो एयरटेल का सिम वाले एयरटेल वाला भी आया था घर पे, तो मतलब राउटर में भी डाल दिया सिम कार्ड, वाईफाई भी है मतलब घर पे अभी थोड़ा, तो क्या आज फटाफट अपलोड कर दूंगा 12 बजे के पहले। और यहाँ पर मेरा दोस्त राजकुमार गाउंडर पधारे है, क्या बोलता है, अचानक कैसे आया?
काम से आया था। कौन सा काम भाई? अभी मैं क्या बताऊँ कि आपने कल का ब्लॉग देखा है कि मुझे पता नहीं, क्योंकि कल मैं अपने भाई को सुबह लेने गया था, आज सुबह मैं लेने गया था ना, तो मेरी गाड़ी की चाबी जो मिस्टर एमडी आए थे मेरे साथ, मतलब मेरे भाई को रिसीव करने के लिए, मिस्टर एमडी के कार में मेरी चाबी रह गई। तो अभी मैं निकल रहा हूँ पवई के लिए। अभी वो दोनों शैतान लोग, मतलब एक तो मेरे भाई के साथ गया और एक जो कबीर था उसके साथ, तो मैं बाहर बार घुमा तो उसको घर पे छोड़ दिया। फिर से पवई में जाके चाबी लेके फिर से रिटर्न आना है। भाभी बोली घर पे खाना खा के जाओ, बोला नहीं आधे घंटे में फिर से आ रहा हूँ तो खाना आके खा लूंगा। हैप्पी बर्थडे लाला। नहीं नहीं ये ब्लॉग में डालने वाला हूँ। बर्थडे बॉय इज हियर, आज इनका बर्थडे है। यस भाई मैंने अपना चाबी भी ले लिया हूँ मिस्टर एमडी से, और साजन लंगड़ा। हाँ, और मतलब मिस्टर पावर से मैं मिलने भी आया था। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। रिमेंबर हाउसफुल, मतलब नहीं नहीं सॉरी, वेलकम ना। क्या मैं बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरे एक टांग में लगा। अच्छा अच्छा वो मेरे को नहीं लगता है कि ये मतलब 28 मिनट लेफ्ट और ये 20 मिनट बचा है। मेरा हर एक वीडियो 15-20 मिनट में अपलोड हो जाता है, बट आज ही इसको मतलब टाइम लग रहा है।